विभूति जी कभी कुछ अवतार में नजर आ रहे हैं और आप डंडा लेकर उनके पीछे पड़े, क्या था इसी? देखिए बात यह है कि एक अनीता भाभी का एक भाई आ गया है जो कि विदेश में रहता है, और वो आके जो है उनसे जिद कर रहा है कि आप अमेरिका चलो, वहाँ पर जॉब है, और अमेरिका जाने की तैयारी में सब जुटे हुए हैं, खासकर अनीता भाभी। तो अचानक जो है तिवारी देखता है कि उसके बेडरूम की तरफ एक अंग्रेज चढ़ रहा है, तो उसको लगता है ये शायद वही है और जाके उसको पिटाई कर देता है। बाद में पता चलता है कि अंग्रेज के गेटअप में भभूति जी थे जो छुप के अंगूरी से मिलने जा रहे थे। तो ये एक तरह से इस तरह की कॉमेडी है कि मतलब एक कन्फ्यूजन में कॉमेडी हो रही है। डाइनिंग टेबल का सीन पूछना चाहूँगी, यहाँ पर भी प्रवेश कर चुके हैं वो अमेरिका। इसमें इस सीन में यही हो रहा है कि वो चाह रहे हैं कि तिवारी चाह रहा है कि भाभी जी ना जाएं, वो भाभी जी को ले जाना चाह रहे हैं, और भभूति नहीं जाना चाह रहा है क्योंकि अंगूरी है। तो ये सारा जो है चल रहा है, और बाद में उनकी ईगो क्लैश हो रही है दो अंग्रेज और उसके बीच में। तो लास्टली फाइनली ये बोलना चाहूँगी कि जो दो एक दूसरे की रानी खींचते थे, आज वो इकट्ठा होकर किसी को भगाएं। हाँ ऐसा ही होगा। थैंक यू। ओके पूछ रहे हैं सुबह ही सुबह किस मतलब गरीब से लग गई भाभी जी। अम्मा जी और हमारी अम्मा जी के अतरंगी उपाय चलते रहते हैं, तो एक नया आप पंडित रामफल ने उपाय बताया है कि आपको एक अंग्रेज़ भिखारी ढूंढना है और उसकी खूब सेवा करनी है, और फिर उसके बाद अभी एक अमेरिका का एक रायता भी फैला हुआ है, तो वो सब चल रहा है और वो ढूंढ रही है कि कोई अंग्रेज़ मिल जाए जिसकी वो खूब सेवा करे। अब उसको मिलता है एक भिखारी जिसकी धूप और धूल में बाल भूरे हो गए, तो ऐसा है, तो बहुत मज़ेदार सीक्वेंस है। बेचारी अंगूरी बॉडम है तो वो समझ नहीं पाती है कि कौन क्या है, वो वाला सारा सीक्वेंस चल रहा था। थैंक यू।